नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीराम चौहान और आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट एक्वाटेक में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट का सभी राज्य के मछली उत्पादन और उपभोग के बारे में। तो आज विशेषतर से हम असम का मछली उत्पादन और उपभोग के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में मछली को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट की उसी राज्य असम के बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो मछली कितना उत्पादन होता है और साल में इस कितना मछली यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। तो आपको एक बात पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में आपको जो असम है इसमें 4 लाख मैट्रिक टन मछली हर साल लगता है। उसमें से असम 3.93 लाख मैट्रिक टन मछली अपना उत्पादन कर लेता है। ये बीते 4 साल में असम मछली के फार्मिंग में बहुत ज़्यादा तरक्की किया है। ये बीते चार साल में असम 33% करके ग्रोथ किया है, जिसके वजह से आज असम एक ऐसे जगह पे खड़ा है जो अपना जितना मछली का ज़रूरत है उसका आसपास वो अपना प्रोडक्शन कर लेता है। तो हम आज अब बात करेंगे ये जो असम किस हिसाब से अपना मछली को अपना उत्पादन कर लेता है और ये 33% जो ग्रोथ किया है कैसे किया है। तो हम पहले बात करेंगे कि ये कितना एरिया में मछली का प्रोडक्शन चल रहा है असम का। आपको पता होगा कि असम का विशेषतर से अभी आपको 12,610 पौंड है जिस पौंड में फार्मिंग चल रहा है, और उस जो 12,610 पौंड है वो 1,523.7 हेक्टेयर्स माटी को कवर किया है, और कम्युनिटी पौंड हो गया 4,029 जो 468 हेक्टेयर माटी को कवर अप किया है। इतने माटी को अंदर में असम आपको 4.93 लाख मैट्रिक टन हर साल मछली उत्पादन कर रहा है, जिसके वजह से अपने जरूरत पूरा कर पा रहा है। लेकिन आपको ये बात और एक बात आपको सुन के आश्चर्य होगा कि असम एक ऐसा राज्य है जो राज्य आने वाला नॉर्थ ईस्ट में सभी राज्यों को मछली का एक्सपोर्ट करेगा। ये बात बहुत बड़ा बात है। ये बात आपको इस इंडस्ट्री में आपको आकर्षित भी करेगा और आपको काम करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। तो आप याद रख लीजिए कि आने वाला असम और आपको 2000 हेक्टेयर जमीन तैयार कर रहा है अपने फिशरी कल्चर को बढ़ाने के लिए। तो ये 2000 हेक्टेयर जमीन जब बढ़ेगा तो कितने बड़े पैमाने पे मछली उत्पादन होगा, इस बात से आप खुद कयास लगा सकते हैं और आप समझ सकते हैं। तो 2000 हेक्टेयर जमीन जो बढ़ेगा, ये असम एक ऐसा राज्य बनेगा जो राज्य नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में क्या कर पाएगा, अपने प्रोडक्शन हुए मछली को सप्लाई करेगा और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को मछली का जो ज़रूरत है वो ज़रूरत को पूरा कर पाएगा। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट जो जगह है ये अंधेरा ही नॉर्थ ईस्ट का जो मछली का ज़रूरत पूरा करता था। आज के डेट में असम एक ऐसा राज्य, उभरता हुआ राज्य निकल रहा है जो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को क्या कर पाएगा, ज़रूरत पूरा कर पाएगा। तो हमारे वीडियो के मकसद यही था कि हम आपको जो हमारे बहुत सारे नौजवान उभरते हुए फार्मर आ रहे हैं फार्मिंग करने के लिए, उनका मन में एक ऐसे संदेह चल रहा होगा कि सभी लोग यहाँ पे कल्चर कर रहे हैं तो ये मछली क्या होगा। आप कल्चर कीजिए, चिंता मत कीजिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है। ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो मछली को नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलता है और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा लोग मछली को पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उभरता हुआ मार्केट है। इस मार्केट को
जो समय से पहले समझ पाया वो अपने बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लोर भी कर पाएगा और अपने बिजनेस को सभी लोगों को साथ एड करके भी बिजनेस को सभी के साथ आगे भी बढ़ा पाएगा। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को तब तक के लिए धन्यवाद।